नमस्कार दोस्तों, हिसार पलपल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है उकलाना से भाजपा के एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष कमल कोच जी, जिन्होंने अभी अभी भाजपा को अलविदा कहा है। आइए इनसे जानते हैं कि इसका क्या मुख्य कारण है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा है और आगे यह किस तरफ रुख करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कमल जी, तो अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को किन कारणों से छोड़ा है? मैंने अभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन से पूर्व ही छोड़ दिया था। और पार्टी को छोड़ने का जो मुख्य कारण है वो मेरे कार्यकर्ताओं की नाराज़गी थी भाजपा से। क्या? क्योंकि मेरी जो विधानसभा है इसमें लगभग 59 गांव पड़ते हैं और हर गांव में अपने एक युवाओं की टीम है और पूरे अपने सम्मानित कार्यकर्ता है। तो उन्होंने लगा कि हमारे कुछ अधिकारों का इस पार्टी में हनन हो रहा है, इस कारणवश मेरे को मतलब पार्टी से त्यागपत्र देना ही पड़ा और पार्टी छोड़नी पड़ी अपने कार्यकर्ताओं के निर्णय पर। तो आप कब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे? मैं लगभग 3-4 साल से भाजपा से जुड़ा था, उससे पहले हम इनेलो में थे। और भाजपा में अब की बार मोकलाना से टिकटार्थी भी था और कई पदों पर भी मैंने कार्य किया है भाजपा के। तो किन किन पदों पर कार्य किया और कितने समय तक, और उसमें आपने क्या क्या कार्य किए हैं भाजपा? मैं सबसे पहले मेरे को उकलाना मंडल का एससी मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद फिर मेरे को सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी नमो नमो मोर्चा में लिया गया और फिर मेरे को नमो मोर्चा का प्रदेश सचिव नियुक्त कर दिया गया। पर लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं की नाराज़गी के कारण हमने पार्टी को अलविदा कहना पड़ा। तो पार्टी क्यों, कार्यकर्ता क्यों नाराज़ थे? क्या आपके काम नहीं हो रहे थे या आपके अनदेखी हो रही थी आप? देखिए, एक तो कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी हो रही थी और उसमें थोड़ा सा मतलब पार्टीबाजी ज़्यादा होने लगी थी। और फिर जो फैसले भारतीय जनता पार्टी ले रही थी, जो उकलाना का मान लो मंत्री केंद्र था ये, वो जो मतलब फैसले जो ले रहे थे वो गलत थे, जो हमारे विरुद्ध लग रहे थे हमको। किस कैसे फैसलों की बात करें, किन फैसले जो आप? यही कि एक तो कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना, या फिर बड़े नेता छोटों को मतलब ऊपर आने का भी नहीं मतलब मौका दे रहे हैं, ये कारण भी विशेष था। और फिर कुछ टिकट जो बांटी गई थी उसमें भी कुछ खिंचातानी देखने को मिली, उसमें भी कुछ पक्षपात और टकराव की स्थिति ज़्यादा होने लगी थी। इसलिए हमने भी भारतीय जनता पार्टी से हमारा मोह भंग हुआ और हमने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा इलेक्शन से पहले ही कह दिया। तो आपका कहने का मतलब है कि आपकी पार्टी छोड़ने के पीछे कारण एक तो टिकट का हो गया, दूसरा ये होगा कि आपको दबाने की कोशिश की जा रही थी आपको और आपके कार्यकर्ताओं? देखिए, ये मेरा कहना नहीं है कि टिकट का ही मुख्य कारण था। टिकट मिलना न मिलना ये ऊपर वालों का फैसला है, हमारा नहीं है। हमारा काम है कि हम निरंतरता प्रयास करते रहें। लेकिन इसका मुख्य कारण ये कि एक तो हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी होना, इसका ये मुख्य कारण रहा। और एक जो खिंचातान आपस में, उसके लिए हमने इस पार्टी को अलविदा कह दिया। और एक जो नीतियाँ थी वो हमसे मेल नहीं खाई। तो जब आपने पार्टी को अलविदा कहा तो उस समय आपको अभी रोका नहीं किसी ने भी, आप पार्टी मत छोड़ो या कुछ ऐसा नहीं? नहीं, काफ़ी साथियों ने मेरे से बात की, घर पर भी आए कि भैया आप पार्टी से त्याग पत्र मत दीजिए, ये हमारा मतलब अंदरूनी का मामला है ये है। लेकिन देखो, जो मेरा जो फैसला होता है वो मेरा खुद का पर्सनल फैसला नहीं होता। इस पर क्या है सर, हम अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हैं, हर गांव में जाके उनसे बात करते हैं, उसके बाद ही कोई हम निर्णय लेते हैं। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम अब बीजेपी में काम नहीं करना चाहते। वो जो मेरा फैसला होता है तो वो तो जनता जनार्दन पर होता है। जब जनता जनार्दन ने मना कर दिया तो बस हमने उनसे किनारा कर लिया। तो आपके साथ साथ आपकी जो भी टीम है वो लगभग कितने गांव में और कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है? लगभग मेरे साथ मेरे जितने भी कार्यकर्ता है, युवा साथी बंधु है, हर गांव में मेरे लगभग मतलब 15-20 युवाओं की जो एक टीम है, जो व्हाट्सएप के ग्रुप से हमारा जो राजनीतिक हलचल देखती है और चलाती है, उन्होंने सब लगभग मेरे सभी समर्थकों ने मेरे साथ ही पार्टी को अलविदा कह दिया था। और हमने फिर इलेक्शन से पूर्व अनूप धानक को खुला समर्थन दिया, हम पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, सिर्फ खुला समर्थन दिया। वो मेरे घर समर्थन मांगने आए, मेरे मैंने कार्यकर्ताओं से बात की, इस कारणवश हमने उनको खुला समर्थन दिया। हमने जेएसपी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और अब भी हम किसी भी पार्टी से मौके पर किसी भी पार्टी में कार्यरत नहीं है। तो आगे आपका किस तरफ रुख है, क्योंकि जब एक बार एक पर्सन राजनीति से जुड़ जाता है तो उसको आगे किसी न किसी पार्टी से जुड़ना ही पड़ता है। देखिए, फिलहाल एक जगह यहाँ पर बात हो रही है, एक युवा नेता है, उनके साथ हमारा मतलब थोड़ा फ़ोन वगैरह पर वार्ता हो रही है। आगे माना जाए कि हम उन्हीं के साथ ही कार्य करेंगे। तो आप उनका नाम बताने की कष्ट करेंगे, कौन सी पार्टी से, कौन किस नेता से? हाँ बिल्कुल, ये आदरणीय चौधरी भव्य विश्नोई जी हैं, उनके साथ शायद मतलब हमारा आगे का कार्यक्रम बने। उनकी किस कार्यशैली से प्रभावित होकर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, भव्य विश्नोई जी लगभग एक बार मेरे को बरवाड़ा में रोड शो के दौरान मिले थे।
तो उनका जो व्यक्तित्व मैंने देखा, काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और काफ़ी मतलब सहनशील व्यक्ति है और मेहनती व्यक्ति है और अपने बंधुओं को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति है। इसलिए फिर मैंने सोचा अपने कार्यकर्ताओं से मैं मीटिंग ले रहा हूँ, बल्कि गांव से गांव आज भी मैंने दो गांव का दौरा किया। सुबह गांव में भेरिया गया था, उसके बाद मैं फरीदपुर चला गया, उसके बाद मैं किनाला गया। उन तीनों गांव में मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात मैंने की है तो उन्होंने बढ़िया ही मतलब मेरे को वो रखा है कि भाई हाँ भव्य बिश्नोई जी के साथ हम काम कर सकते हैं और बढ़िया व्यक्तित्व है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से भी मैं एक दो बार मिला, उनका व्यक्तित्व मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा है और अपने कार्यकर्ताओं का वो हाथ नहीं छोड़ते, इससे मैं प्रभावित हुआ और ये हो सकता है कि हम भविष्य में भव्य बिश्नोई जी को ज्वाइन करें। तो आपको क्या लगता है अगर आप उनको ज्वाइन करते हो, जैसे भी भव्य बिश्नोई को ज्वाइन करते हो या कुलदीप बिश्नोई को ज्वाइन करते हो या कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हो, तो आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा वहाँ? बिल्कुल, ये उम्मीद तो यही करते हैं कि भाई पूरा मान सम्मान हमको मिलेगा, लेकिन अभी तक हमने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, बात चल रही है। हाँ, वैसे एक दो पार्टी से और भी, जैसे आम आदमी पार्टी है, उनका भी परसों मेरे पास संगठन मंत्री का फ़ोन आया था, लेकिन हमने मतलब अभी तक कहीं जाने का मन नहीं बनाया, बस भव्य बिश्नोई जी से थोड़ा सा लगाव है। ठीक है, धन्यवाद जी। जैसे कि आपने देखा कि हमें कमल जी ने बताया कि किन कारणों से इन्होंने पार्टी को अलविदा कहा और आगे यह है किस प्रकार नई पार्टी व नई टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसमें इन्होंने अपना विश्वास भी जताया है और उनका यह भी कहना है कि यह कोई मेरे अकेले का फैसला नहीं है, यह हमारी पूरी टीम का फैसला है, मेरे पूरे साथियों और युवा संगठन का फैसला है। आगे देखते हैं ये किस प्रकार किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और वह संगठन इनका किस प्रकार से अब उनकी सहायता करता है। जय हिंद, धन्यवाद।